नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है एम सी वी एंड आइसोलेटर डिफरेंस। एम सी वी और आइसोलेटर में क्या अंतर है? दोस्तों, एम सी वी और आइसोलेटर दिखने में सेम ही होते हैं, उसमें भी एम्पियर रेटिंग लिखा होता है और आइसोलेटर में भी एम्पियर रेटिंग लिखा होता है। सपोज मान लीजिए कि आपके घर में नई वायरिंग हो रही है और एम सी वी के लिए आप लेने गए दुकान पर और उसने आपको गलती से या फिर जानबूझ के आइसोलेटर दे दिया। दोस्तों, एम सी वी और आइसोलेटर के प्राइज में बहुत अंतर होता है। टू पोल की एम सी बी जैसे आप लगवा रहे हैं घर में तो वो आपको मिल पड़ जाएगी करीबन 800 रुपये की, ठीक है, एम सी बी। लेकिन आइसोलेटर आपको पड़ेगा 200 रुपये का, ठीक है। अगर आप 20 से 25 एम्पीयर की एम सी बी ले रहे हैं तो वो आपको पड़ेगी 800 रुपये की और आइसोलेटर पड़ेगा आपको 200 रुपये का। दोस्तों, ये इतना बड़ा अंतर होता है प्राइज़ में। और दोस्तों, ये दिखने में भी सेम ही होते हैं लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। एम सी बी में हमको दो प्रकार से प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है। एम सी बी में दोस्तों दो प्रकार के प्रोटेक्शन मिल जाता है, पहला ओवर करंट, दूसरा ओवरलोड, ठीक है। लेकिन आइसोलेटर में ये किसी भी प्रकार का लो इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है क्योंकि इसमें दोनों में एम्पीयर रेटिंग लिखा होगा। जैसे दोस्तों आप फिगर में देख रहे होंगे कि दोनों में एम्पीयर रेटिंग लिखा हुआ है और दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, उसकी डिजाइन एक ही जैसा, उसकी बनावट एक जैसा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो दोस्तों, एम सी बी में आपको ओवर करंट का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ओवरलोड का मिल जाएगा, आइसोलेटर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, एम सी बी और आइसोलेटर में दोनों में क्या अंतर है? एम सी बी से भी पावर ऑन ऑफ हो जाएगा और आइसोलेटर से भी पावर ऑन ऑफ हो जाएगा, लेकिन एम सी बी में आपको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, सॉरी मिल जाएगा। आइसोलेटर दोस्तों ओनली ऑन ऑफ करने के लिए बना होता है, आइसोलेटर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप आइसोलेटर लगाएंगे कैसे? सपोज मान लीजिए कि आपके घर में 5 कमरे हैं, ठीक है, 5 कमरे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और आपने एक एम सी बी लगा दी मेन में, बाकी न्यूट्रल आपने कॉमन कर दिया, ठीक है, और यहाँ से आपने फेस इसमें दे दिया। अब दोस्तों क्या होगा कि अगर किसी भी घर में 100 पैकेट हो रहा है तो ये एम सी बी ट्रिप हो जाएगी। ये आइसोलेटर ओनली ऑन ऑफ करने के लिए होता है, इससे आप किसी भी कमरे की सप्लाई को बंद या चालू कर सकते हैं। आइसोलेटर में दोस्तों क्या होता है कि यह जल जाएगा, आइसोलेटर क्या होता है कि वो जल जाएगा लेकिन वो ट्रिप नहीं होगा क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑन ऑफ के लिए ही बनाया जाता है। दोनों में एम्पियर रेटिंग का मतलब ये होता है कि एम सी बी मान लीजिए 20 एम्पियर का है और आइसोलेटर 20 एम्पियर का है, एम सी बी 20 से 21 एम्पियर होगा तो वो ट्रिप हो जाएगा, लेकिन आइसोलेटर 20 एम्पियर के बाद अगर इसमें वोल्टेज या आप लोड दे रहे हैं, एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं, तो वो ट्रिप नहीं होगा, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, जैसे अपना स्विच होता है डोमेस्टिक, ठीक है। दोस्तों, जल जाएगा लेकिन एम ट्रिप नहीं होगा। अब दोस्तों, अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप ये कैसे पता पहचानेंगे कि ये एम सी बी है कि आइसोलेटर है, ठीक है। दोस्तों, इसका पहचानने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप उसको देख के ही पहचान जाएंगे कि ये एम सी बी है, ये आइसोलेटर है। दोस्तों, आइसोलेटर में आपको इसमें आपको डिजाइन होगा इसमें, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग डिजाइन होता है, अलग अलग इसको बनाते हैं, लेकिन होगा ऐसे ही, एम सी बी में ऐसा बना होगा और आइसोलेटर में ऐसा बना होता है। अगर आइसोलेटर होगा तो वो इस प्रकार से बना होगा, क्योंकि देख लीजिए ये ओनली ऑन ऑफ को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि अगर ये आपस में जुड़ जाएंगे तो सप्लाई ऑन हो जाएगा और अगर ये ऐसे खुले हुए हैं तो सप्लाई ऑफ है, लेकिन एम सी बी का ये इसका सिंबल होता है। अब दोस्तों, इसमें भी इसका और इसका दोनों का मतलब होता है। इसका दोस्तों मतलब होता है ओवर लोड ट्रिपिंग, ठीक है, ओवर लोड ट्रिपिंग, इसका ओवरलोड ट्रिपिंग हो गया। अब दोस्तों, इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट का, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। दोस्तों, ये ओवरलोड का सिंबल हो गया जो ऐसे चौकोर सा बना हुआ है, और जो ये गोल सा बना हुआ है ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का मिलता है, क्योंकि हमको ओवर करंट तभी होगा कि जब शॉर्ट सर्किट होगा, या फिर हम एक्स्ट्रा लोड डाल देंगे, या फिर ओवरलोड हो गया। इसमें आप तीसरा दो होते हैं उसे दोस्तों, इसमें आप शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन जोड़ लीजिए, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, आप ओवर करंट भी बोल सकते हैं, ओवरलोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब ओवर करंट सर्किट में तभी ओवरलोड होगा, यानी कि आप मान लीजिए कि आपके घर में 20 एम्पियर का लोड चल रहा है और आपने इसमें गलती से या फिर 100 पैकेट हो गया तो उसमें 21 एम्पियर, क्योंकि 100 पैकेट के समय पे करंट बढ़ जाता है, 21 एम्पियर हो गया तो वो ट्रिप हो जाएगा, या फिर कभी 100 पैकेट हो गया तो भी ट्रिप हो जाएगा। अगर ओवरलोड मान लीजिए कि आपके घर का लोड 20 एम्पियर का है और आप इसमें लोड डाल रहे हैं 25 एम्पियर,
तो ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, ओवर लोड होने पर ये ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों इसमें ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, आप जब कभी भी एमसीबी लेने जाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दे लें, क्योंकि ये एमसीबी के ऊपर या दाहिने साइड या बाएं साइड, ऊपर या नीचे, ये आपको बना मिल जाएगा। क्योंकि हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग बना हो, जैसे आपका एलएनटी, स्नाइडर, सीमेंस, आपका एचपीएल, ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डिजाइन अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये सिंबल आपको ज़रूर मिलेगा दोनों में। आप इसको देख के पहचान जाएंगे कि ये एमसीबी है कि आइसोलेटर है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को विशेष ध्यान दें, जब भी आप एमसीबी लेने जाएं तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें कि आप एमसीबी ले रहे हैं कि आइसोलेटर ले रहे हैं, क्योंकि एमसीबी पड़ेगा 800 रुपये का, आइसोलेटर पड़ेगा 200 रुपये का। तो आपको पैसे के चक्कर में अगर आपको एमसीबी लेने का आइसोलेटर पकड़ा दिया तो दोस्तों वो आप ही को खतरा है। इससे दोस्तों बचें, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।